भारत और उसमें मुक्त हो। दुनिया में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, दुनिया एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है, इसीलिए हमें संकल्प लिया है कम से कम महीने में एक दिन भी कम से कम साइकिल चलाएं। और इसीलिए आज हमने निर्णय लिया है कि माननीय मोदी जी का आह्वान है, देश के प्रधानमंत्री का और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आह्वान है, प्रसन्नमुख भारत प्रसन्नमुख बिहार। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पूरा दुनिया संकट के दौर से गुजर रहा है। हम सब अपील करना चाहेंगे हर व्यक्ति को कम से कम सप्ताह में साइकिल इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए निर्णय लिया कि लोकतंत्र का महापर्व है, इस पर्व के अवसर पर मैं साइकिल का इस्तेमाल करूं। एक संदेश दो लोगों को अपील जरूर करना चाहते हैं, आने वाले समय में देशवासी बिहारवासी पर्यावरण को संतुलित करने के लिए, जलवायु संकट से निपटने के लिए एक दिन साइकिल का इस्तेमाल। प्रेम कुमार जी, फीडबैक क्या है चारों लोकसभा क्षेत्र से? एकदम क्लीन स्वीप है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है चारों सीट पर। नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई, दो जगह कमल खिलेगा, नवादा में और औरंगाबाद में, और गया में कड़ाही पर बटन दबा रहे हैं और वहां जमुई में हेलीकॉप्टर है। इस तरह चारों सीट पर हमारे एनडीए के प्रत्याशी माननीय मोदी जी का जो 10 वर्षों का जो इतिहास रहा है विकास के मामले में, जनता विकास चाह रही है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाह रही है, उस काम को मोदी जी कर रहे हैं। उनका संकल्प है विकसित भारत, विकसित बिहार बनाने का, उसके आधार पर जनता वोट देने का काम कर रही है। मतदान हुआ हो गया, समय है, शाम को 6 बजे तक मतदान चलेगा, वक्त है, निकलता है, लोग घरों से काफी भीड़ लगा हुआ है और पूरा दावा है अच्छा मतदान होगा, जनता हाथ ले रही है।